Please subscribe our channel and press the bell icon. हेलो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज आप और हम सभी के सपनों के शहर, जो कि अमेरिका का एक बहुत ही शानदार शहर है, उसकी जानकारी लेंगे और साथ साथ सैर भी कर लेंगे। तो चले न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, जो कि अपने आकर्षित पर्यटन स्थलों की वजह से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। न्यूयॉर्क अपनी शानदार वास्तुकला, फिल्मों और कला संस्कृति के लिए जाना जाता है। न्यूयॉर्क में स्थित ऊंची ऊंची इमारतें, ब्रॉडवे शो और म्यूजियम इसके प्रमुख आकर्षण हैं। बता दें कि न्यूयॉर्क को बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। न्यूयॉर्क शहर की चमकदार रोशनी और टाइम्स स्क्वायर की हलचल के अलावा वॉल स्ट्रीट में घूमने का अनुभव वाकई दिलचस्प होता है। न्यूयॉर्क की नाइट लाइफ में रात भर होने वाली मस्ती की वजह से इस शहर को कभी न सोने वाले शहर के नाम से भी जाता है। यदि आप भी न्यूयॉर्क शहर और इसके पर्यटन स्थलों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए आपको आज न्यूयॉर्क सिटी के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस की सैर करवाते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हो जाइए तैयार। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं सेंट्रल पार्क। न्यूयॉर्क में खेल के लिए मशहूर सेंट्रल पार्क शहर के बीचों बीच स्थित है। यह स्थान बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं के लिए कुछ समय आराम से बिताने के लिए आदर्श स्थान साबित होता है। न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क में स्केटिंग, साइकिल के अलावा अन्य खेलों को लुत्फ भी पर्यटक उठाते हैं। पार्क में झील के आकर्षित नज़ारे, बोटिंग, पक्षियों और जानवरों को देखना अलग ही अनुभव होता है। अब हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए रवाना होंगे। ये स्टैच्यू एक आइलैंड पर स्थित है। न्यूयॉर्क शहर के हार्बर में लिबर्टी द्वीप पर स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह एक खूबसूरत प्रतिमा है, जो कि तांबे से बनी हुई है। इस मूर्ति को लिबर्टी इनलाइटनिंग द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। इस मूर्ति को रोमन देवी लिबर्ट्स के रूप में बनाया गया है, जो कि स्वतंत्रता की देवी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस और अमेरिका के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया है। अब शाम का नज़ारा और शहर की चहल पहल देखने के लिए हम चलेंगे टाइम्स स्क्वायर पर। न्यूयॉर्क शहर में घूमने वाली जगहों में शामिल टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। इसे द चौराहा ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। टाइम्स स्क्वायर में पर्यटकों को वोग बार और बिस्ट्रोस से बने संगीत का आनंद लेने का मौका मिलेगा। न्यूयॉर्क के प्रमुख पर्यटन स्थानों में टाइम्स स्क्वायर एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर स्टोर्स 2 बजे रात तक खुली रहती है। इसी वजह से यहां रात में भी दिन जैसी भीड़ का अनुभव होता है। इसके अलावा यहां का प्रसिद्ध स्टूडियो NBC है, जो बहुत आकर्षक है। Now have primary control with critical vehicle functions.
Going throttle up. नए साल के समय जाने वाले पर्यटकों के लिए यह स्थान बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि न्यू ईयर के टाइम यहां बहुत रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिनका हिस्सा बनने के लिए हर एक पर्यटक आतुर रहता है। हमारा अगला पड़ाव है एक शानदार पुल जिसका नाम है ब्रुकलिन ब्रिज। न्यूयॉर्क का प्रसिद्ध ब्रिज मैनहट्टन और ब्रुकलिन को जोड़ने का काम करता है। बता दें कि ब्रुकलिन ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लंबा और सबसे प्राचीन ब्रिज है। ब्रुकलिन ब्रिज की संरचना मजबूत खंभे चूना पत्थर ग्रेनाइट और सीमेंट से निर्मित की गई हैं, जो कि वर्ष 1883 में बनाया गया था। क्या आप न्यूयॉर्क शहर का पूरा नजारा ऊपर से देखना चाहेंगे? तो चलिए आपको ले चलते हैं न्यूयॉर्क शहर के एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग के ऊपर। न्यूयॉर्क के ऐतिहासिक स्थलों में शामिल एम्पायर स्टेट बिल्डिंग शहर का प्रमुख आकर्षण है, जो कि बहुत ऊंची इमारत है। सन 1930 में इस इमारत का निर्माण किया गया था। यह इमारत 102 मंजिल के बराबर ऊंची है। इसी वजह से इसे गगनचुंबी इमारत के नाम से भी जाना जाता है। यह इमारत न्यूयॉर्क के मिडाउन के मेगनहट में स्थित है। इस इमारत के निर्माण में चूना पत्थर का उपयोग किया गया है। न्यूयॉर्क की इस इमारत को दुनिया का 8वां अजूबा बनाने का विचार किया गया था, परंतु बनाया नहीं गया।
तो अब काफी घूमना हो गया। चलो अब हम आर्ट और कल्चर की दुनिया की सैर करें। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क की फेमस जगहों में से एक है। न्यूयॉर्क में स्थित है यह एक संग्रहालय है जिसका निर्माण सन 1870 में किया गया था। बता दें कि यह संग्रहालय दुनिया में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले संग्रहालयों में से एक है। इस संग्रहालय में 5000 साल से भी ज्यादा पुराने विश्व इतिहास और कला के अवशेष मिलते हैं। यह अमेरिका का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इस संग्रहालय में पर्यटकों को 5000 साल पुरानी कला प्रदर्शनी और इतिहास की जानकारी मिलती है। क्या किस शहर का रेलवे स्टेशन इतना भव्य हो सकता है कि उसे भी एक टूरिस्ट प्लेस की तरह घुमा जाए? जी हाँ, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क शहर में घूमने लायक जगहों में से एक है। न्यूयॉर्क की फेमस जगहों में से एक न्यूयॉर्क का एकमात्र ऐसा स्टेशन जहां से सभी मेट्रो ट्रेन्स चलती है। इस स्टेशन का नाम ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है। इस स्टेशन में लगभग 44 प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके साथ ही यहाँ बहुत सारी कलाकृतियां हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचने में पीछे नहीं हटती है। अब फिर एक शाम को घूमने की जगह चलते हैं। ये है रॉकफेलर सेंटर। न्यूयॉर्क के रॉकफेलर सेंटर का दौरा करना बिल्कुल जादुई माना जाता है। यह मैनहट्टन का प्रमुख आकर्षण बिंदु है। रॉकफेलर सेंटर को शहर के अंदर एक अन्य शहर के लिए जाना जाता है। बता दें कि 19 इमारतें बनी हुई हैं जो कि 89,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। न्यूयॉर्क सिटी में सबसे बड़ी ट्री लाइटिंग समारोह के लिए रॉकफेलर सेंटर को जाना जाता है। दोस्तों, हमारी अगली विजिट है एक चर्च में, जो अपनी शानदार बनावट और वास्तुकला की वजह से एक बहुत ही शानदार टूरिस्ट प्लेस है। न्यूयॉर्क नगर के दर्शनीय स्थलों में शामिल सेंट पैट्रिक कैथेड्रल न्यूयॉर्क शहर का प्रमुख आकर्षण है। यह एक रोमन कैथोलिक कैथेड्रल चर्च है जो कि बहुत अधिक संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह स्थान बहुत ही शांत है जहां गॉड के सामने लोग प्रार्थना करते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं। क्या कोई लाइब्रेरी भी घूमने की जगह होती है? न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी शहर का प्रमुख आकर्षण है। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पुस्तकालय है। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की सबसे खास बात यह कि इसके सभी लेखकों की पांडुलिपि एक ही है।
right, love. जो जगह पूरी दुनिया के फाइनेंस के ऊपर असर करती है, अगर वहां नहीं गए तो फिर कुछ अधूरा रह जाएगा, इसलिए हम वहां जरूर जाएंगे। और वो जगह है न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट। न्यूयॉर्क के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल वॉल स्ट्रीट शहर में घूमने वाली सबसे अच्छी जगहों में से एक है। वॉल स्ट्रीट को फाइनेंशियल डीलिंग्स के लिए जाना जाता है। ऐसे पर्यटक जो स्टॉक्स और शेयर्स में रुचि रखते हैं, यह उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पर्यटन साबित हो सकता है। यहां विश्व की बहुत फेमस फाइनेंस इमारत बनी हुई है और एक बैल की मूर्ति है जो कि दौड़ने के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क शहर का एक और म्यूजियम सेंटर है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो है MoMA आर्ट म्यूजियम। न्यूयॉर्क शहर के आकर्षण में शामिल MoMA कला संग्रहालय मिडटाउन मैनहट्टन में स्थित है। इस संग्रहालय में कई आकर्षित कला प्रदर्शनियों को देखा जा सकता है। MoMA कला संग्रहालय एक 6 मंजिला इमारत है जो कि दुनिया के सबसे अच्छे संग्रहालय के रूप में कला संस्कृति की मेजबानी करता है। संग्रहालय में सुंदर चित्र, तस्वीरें, मूर्तियां, कैफे आदि हैं। न्यूयॉर्क शहर की यात्रा के लिए आप साल में किसी भी समय का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन दिसंबर से फरवरी के बीच का समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान नए वर्ष के आगमन और क्रिसमस का जश्न न्यूयॉर्क में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, इस समय आपको बड़ी ठंड का सामना करना पड़ सकता है, सो ध्यान रहे, अपने गर्म कपड़े साथ ले जाना न भूलें। न्यूयॉर्क शहर की यात्रा के दौरान आप यहां के स्वादिष्ट भोजन लुत्फ उठा सकते हैं। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध भोजन में पर्यटकों और यहां के स्थानीय लोगों को हॉट डॉग, बेक किए गए प्रेटजेल, चीजकेक और पिज्जा बहुत पसंद आते हैं। इसके अलावा ब्रेज, केक, एग्स बेनेडिक्ट और फ्राइड चिकन भी बहुत पसंद किया जाता है। बता दें कि न्यूयॉर्क में भारतीयों के लिए भी कुछ खास व्यंजन उपलब्ध है। कई ऐसे होटल्स हैं जहां भारतीयों की पसंद का खाना मिलता है। इसमें शाकाहारी स्पाइस सिम्फनी, अम्मा और मिर्च मसाला बहुत ज्यादा फेमस है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा के दौरान यदि आप किसी आवास स्थान की तलाश कर रहे हैं, तो बता दें कि न्यूयॉर्क में आपको सस्ते और महंगे सभी प्रकार के होटल मिल जाएंगे। आप जरूरत के अनुसार होटल का चुनाव कर सकते हैं। भारत से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जाने के लिए दिल्ली से सीधी उड़ान उपलब्ध है। न्यूयॉर्क में 3 प्रमुख हवाई अड्डे हैं, लेकिन यात्रा की तैयारी करने और फ्लाइट टिकट बुक करवाने से पहले अपना USA का वीजा जरूर लेना ना भूलें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज लिखें और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट लिखना ना भूलें। उसी से हमारा हौसला बढ़ता है और हम और नई वीडियो बनाते रहेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।